आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, बॉन्ड स्ट्रक्चर इथाइन, प्रोपाइन और ब्यूटाइन के, जो कि हाइड्रोकार्बन के पार्ट हैं। इसमें जो वर्ड बच्चों लगा स्टार्टिंग में, इथ, प्रोप और ब्यूट, यह कार्बन की काउंटिंग को बताता है। जैसे इस लिस्ट में गिवन है, अगर तो आगे मिथ लगा हो तो समझो उसमें एक कार्बन एटम है, इथ लगा हो तो दो कार्बन एटम है, प्रोप हो तो तीन कार्बन एटम है, ब्यूट हो तो चार कार्बन एटम है। इसी तरह से आगे आप लिस्ट रीड कर सकते हैं। तो इसमें लास्ट में क्या लगा, वाई एन ई आयन, वाई एन ई आयन लगा, यानी कि एल्काइन है जी, एल्काइन। हाइड्रोकार्बन में जो होते हैं उनमें एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं और एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो कि बॉन्ड के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किए जाते हैं। एल्काइन एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो हमें यह बताता है कि कार्बन और कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। और इसका जनरल फॉर्मूला बताऊं तो जितने कार्बन के एटम होते हैं, H के एटम, उससे डबल कर दो लेस कर आते हैं। N का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अगर मान लो कार्बन के तीन एटम है तो तीन का डबल करो, तीन का दो गुना करो छः, फिर छः में से दो लेस करो चार, उसमें चार एटम हाइड्रोजन के होंगे। ठीक है, तो जैसे मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा तो डिटेल में आपको बताऊँगा। तो पहले तो लिस्ट के अकॉर्डिंग इथ के दो कार्बन, प्रोप के तीन और ब्यूट के चार कार्बन हम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने दो कार्बन लिख दिए, यहाँ पर एक, दो और तीन, और यहाँ पर एक, दो, तीन और चार। तो वाई एन ई से एंड होता है, एल्काइन से। तो मैंने बताया था कार्बन कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, जैसे यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रिपल बॉन्ड ड्रा कर लेते हैं, बाकी आप सिंगल बॉन्ड ही ड्रॉ करोगे। और हर एक कार्बन चार बॉन्ड बना सकता है, उसके वैलेंसी चार होती है। जैसे ये वाला कार्बन है, इस कार्बन के चारों तरफ घूमकर देखो तो आप देखेंगे तीन बॉन्ड हैं, तो बीच में तीन बॉन्ड हमें दिखेंगे, तो एक बॉन्ड और चाहिए। इस वाले कार्बन के पास घूमें तो एक तरफ तीन बॉन्ड हमें मिल जाते रास्ते में, एक में एक, तीन और एक चार, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए, तो कोई एक्स्ट्रा बॉन्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस वाले कार्बन के तरफ घूमें तो एक बॉन्ड है रास्ते में, तो चार पूरे करने के लिए एक तो है ये ब्लैक कलर से, चार पूरे करने के लिए तीन और लगा दिए। उसी तरह से यहाँ पर देखें तो कार्बन के पास तीन बॉन्ड है, एक और लगेगा चार, इस कार्बन के पास भी जो बीच वाले तीन बॉन्ड हैं एक इस तरफ लगेगा। कैसे देखते हैं, इसको घूमें आप, एक दो तीन चार, इसमें भी एक दो तीन और ये चार, और जहाँ पर हमने बॉन्ड लगाए हैं यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम आपने लगा देने हैं। ठीक, अब ब्यूटाइन की बात करते हैं। इस कार्बन के पास तीन बॉन्ड तो हमें रास्ते में दिख रहे हैं, एक और चाहिए। इस कार्बन के पास चार बॉन्ड हो गए हैं, तीन इस तरफ एक इस तरफ चार, इससे चार से ऊपर तो बनाने नहीं। इसके पास दो हैं तो दो और लग सकते हैं, चार हो गए। इसके पास घूमें तो एक है, तीन और लगाएंगे, और फिर आपने इनके साथ क्या लगा देना, हाइड्रोजन एटम। जो जो नए बॉन्ड लगाए हैं इन सबके साथ हाइड्रोजन एटम। अब इनका केमिकल फॉर्मूला लिखते हैं। इथाइन का फॉर्मूला क्या था, उसका जनरल जनरल फॉर्मूला था CnH2n-2। इसका जो फॉर्मूला हमें बताता है कि C के जितने भी एटम हो बच्चों, जैसे इसमें C के दो एटम हैं, इथ का मतलब होता है लिस्ट के अकॉर्डिंग C के दो एटम, तो हाइड्रोजन के कितने होंगे। तो फॉर्मूला हमें कहते हैं पहले उस नंबर को डबल करो, तो लो जी कर लिया डबल, फिर दो लेस कर दो, टू टू का फोर, फोर में से टू गए टू, तो हाइड्रोजन के टू एटम आएंगे। क्या स्ट्रक्चर में देखें प्रूव हो रहा है, कार्बन के दो एटम है, हाइड्रोजन के भी दो एटम है, हो रहा है प्रूफ। अब बात करते हैं प्रोपाइन की। इसमें एक दो तीन, प्रोप का मतलब तीन होता है, सी तीन है बच्चों। हाइड्रोजन कितना होगा ये बताएं। अब इसमें हाइड्रोजन कितना होगा, पहले डबल करो तीन का, तीन दूनी छः, फिर दो घटा दो चार,
पहले डबल करो फिर दो घटा दो, चार आ गया। अब काउंट करो स्ट्रक्चर में, एक दो तीन चार ही हाइड्रोजन है, सही है ये भी। अब नेक्स्ट ब्यूटाइन, इसमें चार सी होते हैं, सी इसमें चार होते हैं, और हाइड्रोजन की काउंटिंग निकालेंगे। चार का किया डबल आठ, आठ में से दो लेस किया छः, हाइड्रोजन छः हो गए यहाँ पर। तो ये हमने बॉन्ड स्ट्रक्चर ड्रॉ किए हैं इथाइन प्रोपाइन और ब्यूटाइन के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।